फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पर्दा कब उठेगा ये अभी कोई नहीं जानता। जब महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में फेल हो गई तो मामला सीबीआई की चौखट तक पहुंचा। जैसे ही मामला सीबीआई ने संभाला तो महाराष्ट्र के सभी सियासतदानों को सांप सूंघ गया। इसके बाद कोई सियासत नहीं हुई, किसी सियासी नुमाइंदे की कोई जुबान तक नहीं खुली, क्योंकि वो जान गए कि अब तो इस रहस्य से पर्दा उठकर रहेगा। सियासी छतरी में अब बरसात से कोई बचाव नहीं है। फिलहाल सबकी बोलती बंद है, चाहे महाराष्ट्र नायक हो या फिर उनके राजनीतिक छांव में दावपेच खेलने वाले उनके सियासी नुमाइंदे। सीबीआई की टीम के जांच के दायरे में अब मुंबई पुलिस के गोल्डन स्टोन होटल क्लब है। सुशांत के परिवार का आरोप है कि इस रिजॉर्ट में आने के बाद सुशांत अपने परिवार से अलग पड़ गए थे। सुशांत को इस रिजॉर्ट में रिया लेकर आई थी और 2 महीने तक वो यहीं ठहरे थे, जबकि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा के फ्लैट में रहते थे। बताया जा रहा है कि उस फ्लैट में भूत प्रेत की बात थी, इसीलिए वो वाटर स्टोन होटल क्लब में रुके थे। हालांकि सीबीआई की टीम इस होटल में स्टाफ मैनेजर से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई जानकारी जुटा रही है कि जिस दौरान सुशांत यहां रुके थे, कौन कौन लोग उनसे मिलने आते थे। वाटर स्टोन होटल क्लब के सीसीटीवी के बारे में भी सीबीआई ने जानकारी जुटाई है। होटल में रिया चक्रवर्ती स्पिरिचुअल गुरु महेश जोशी को लेकर आती थी। महेश जोशी ने सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग की थी। स्पिरिचुअल गुरु महेश जोशी से भी अब सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई के पास कई सवाल हैं, जिनका जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। पहला सवाल, इस होटल में सुशांत आखिर 2 महीने तक क्यों रुके? दूसरा सवाल, किसके कहने पर रुके? तीसरा सवाल, फ्लैट में भूत प्रेत का सच क्या है? इस बीच फिल्म मेकर संदीप सिंह की कॉल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ है कि संदीप सिंह ने पिछले 1 साल में सुशांत को एक बार भी फोन नहीं किया। संदीप खुद को सुशांत का दोस्त बताता था, लेकिन सुशांत के परिवार संदीप सिंह के बारे में कुछ नहीं जानते।